हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंशिका मानवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमो की चटनी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी ले लेंगे उबलने के लिए। तो ये पानी बॉईल हो चुकी है, अब इसमें मैं डालूँगी टोमेटो। इस पानी में टोमेटो और मिर्च दोनों को उबाल लेंगे अच्छी तरह से। इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि आपको दिखने लगे कि इसमें से स्किन इसका बाहर निकलने लगा है, तब इसे इस सभी को पानी से बाहर निकाल लेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है, देखिए इसका स्किन भी अब बाहर आने लगा है। अब इसे इस पानी से निकाल लेंगे बाहर सभी को। इसका पानी हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे ताकि ग्राइंड करें तो इसमें ज़्यादा पानी ना आए। इसका पानी अच्छे से निकालने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि इसको जब ग्राइंड करें तो इसका जो पेस्ट है वो गाढ़ा आए। इस सभी टमाटर के स्किन को हम लोग निकाल लेंगे। अब उस सभी टमाटर को इसमें डाल देंगे ग्राइंडर में। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। अभी ग्राइंड हो चुकी है। अब एक गर्म कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल लेंगे। ये तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम लोग अदरक डाल देंगे। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। इस टोमेटो पेस्ट को इसमें डाल देंगे। अब इसमें एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे। और अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें अब नींबू का रस डाल देंगे। इसमें अगर आपको तीखा चाहिए तो इसमें आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी गाढ़ी लाल चटनी तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई जरूर करें और बनाएं और खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।